हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस बीएसएफ पोस्ट के ऊपर आए और जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और हमारी जो ब्रीफिंग थी वो उसको उनको सुना है और उसके साथ में जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो उनको हमने अच्छे तरीके से बताए हैं और उन्होंने बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ में इसको सुना है और प्रसन्नता अपनी बॉर्डर डोमिनेशन को लेके दिखाई है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि अपना बिजी शेड्यूल निकाल के वो हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे जो इश्यूज थे उनको उन्होंने सर जवानों से भी मिले, कितना एक प्रोत्साहन मिलता है? ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे गृह मंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है, तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है, वो प्रोत्साहित होते हैं और आइंदा जो ड्यूटी है वो और भी जोश के साथ। सर हमने देखा एक सिंबॉलिक होता है जो है टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी आपने ब्रीफ हमने जितने भी विषय हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी इश्यूज हैं वो सबसे उनको अवगत कराया है और वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है। नॉर्मली जब भी देखा है कि कोई भी अगर कोई आता है होम मिनिस्टर आता है एक सिंबॉलिक विजिट होता है, लेकिन काफी देर आपके साथ रहे, हर चीज सुनी इनने जी, तो आपको कैसा लगा और कितना मनोबल बढ़ता जी? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने। कोई चीज आश्वासन दिया या कोई पैगाम आपको दिया कि किस तरीके से दुश्मन के साथ निपटना है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं टनल्स को लेके ड्रोन्स को लेके उसको एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी जो है। आखिरी सवाल, कुछ आपने मतलब उन्होंने कुछ कहा है कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कुछ आपको ऐसा कहा कमांडर्स को ग्राउंड पे? देखिए, उन्होंने एक तो सराहना की है कि बीएसएफ के जवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम को उन्होंने सराहा है, और दूसरा कि आगे जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा पूरा जो है वो सहयोग दिया जाएगा।